मैं और बता रहा हूँ साइकोलॉजी वाली बात। जब कुमार मंगलम जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जब शेयर 5 रुपए करीब तक दिन में सौर ऊर्जा से बिजली लेगा और रात को वो पानी से बिजली लेगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, बीएसएनएल की और सौर ऊर्जा की, जिससे पूरा देश नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर सौर ऊर्जा की। और जब किसी चीज़ का आविष्कार होता है ना सर, पहली बार एक जना करता है, लेकिन उसके बाद ना और लोग उसको सीख कर अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और उस आविष्कार की बारीकियों को सीख कर ही उसे आगे तक बढ़ाते हैं। जब आपको पता है सर बिजली का आविष्कार कहीं हुआ होगा तो उसके बाद हर जगह फिर बिजली का काम चल रहा है। फ़ोन का आविष्कार कहीं हुआ होगा तो उसके बाद फ़ोन के रोज़गार और हर जगह आपके हाथों में फ़ोन मिलते गए हैं। उसी तरह जब बल्ब का आविष्कार एक बार हुआ होगा तो उसे सीख कर हर जगह अब आपको बल्ब और एलईडी मिलती रहती है। और इसी तरह ही जो नेटवर्क का आविष्कार हुआ होगा तो अब उसके बाद 2G 4G 5G 6G ये चीज़ें भी आती हुई आपको आगे नज़र आएगी। कहने का मतलब ये है कि आविष्कार कोई कर दे, लेकिन उस आविष्कार को बढ़ाकर उसमें नजरिया देखकर उसकी संभावना को तलाश करके ही किसी देश की तरक्की होती है। इतनी सी मैं आपको एक बात बता दूं सर। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बात निकल कर आ रही है थाईलैंड से सर। थाईलैंड ने दुनिया का और सबसे पहला जो पानी के ऊपर सर सौर ऊर्जा होती है पैनल बिछा कर, उसे वो सर दिन में सौर ऊर्जा से बिजली लेगा और रात को वो पानी से बिजली लेगा, यानी कि विद्युत बिजली और सौर एनर्जी को वो इकट्ठे ही एक दायरे में लेकर आ गया। और वो दुनिया का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा उसने ये एक ऐसा एक इनोवेशंस किया है कि जो आगे जाकर एक रास्ते अडानी पावर, टाटा पावर, मुकेश अंबानी और ऊर्जा ग्लोबल या किसी भी क्षेत्र के जो सोलर से पैनल से काम कर रहे हैं उनको एक दिशा दे रहा है। ये न्यूज़ सर छोटी है, लेकिन इसकी संभावना सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काफी बड़ी निकल कर नजर आ रही है सर, क्योंकि जो आविष्कार हो चुके हैं उसे अब आगे जाकर सौर ऊर्जा में और भी लोग इसको देखेंगे। और जब किसी चीज की सफलता और मुकाम तक पहुंच जाती है तो वो दुनिया की नज़र में आती है। और ये मनी कंट्रोल में भी ये न्यूज़ आ रही है। अगर ये न्यूज़ इतनी इफेक्टेड नहीं होती तो ये न्यूज़ में नहीं घूमता। तो समझ लिए सर सौर ऊर्जा में कहीं ना कहीं एक दिशा दिखा रहा है कि इस तरह भी सौर ऊर्जा में काम हो सकता है। तो बात करते हैं सर बीएसएनएल की, और बीएसएनएल ने सर 4G लाने का मन बना लिया है। उसका कहना यह है कि दिसंबर 2021 में जब 3 ऑपरेटर अपने टैरिफ को बढ़ा रहे थे तब उन्होंने अपने उपभोक्ताओं को बढ़ाया है। 4G सुरक्षित और घरेलू होगा, बीएसएनएल का यह कहना है कि के आईटी और दूरसंचार मंत्री का यह कहना है कि जो हमारा 4G होगा हमें अलग तरीके से ही बदल देगा, और जहां लोग 5G पे आधारित हो रहे हैं वहां पर हम 4G लाकर अपने कंपनी को भी आगे और देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ BSNL की तरफ से निकल कर आ रही है। आपको पता है सर 4G के लिए TCS के साथ ये BSNL काम कर रहा है, और आगे जाकर अपने टावरों में विस्तार करके 4G का विस्तार करके ही ये घरों तक पहुंचेगा, जो ये न्यूज़ दर्शा रही है। उन्होंने ये कहा है कि 3 ऑपरेटर के बाद आपको चौथा विकल्प भी मिल गया है जो आपको 4G सेलेक्ट करने में, सिम को लेने में आपकी दिशा बता रहा है। यानी कि उन्होंने कहा है कि वो अपने रेट को बढ़ाएंगे और हम कम कीमत में अपने 4G को नेटवर्क को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर BSNL की तरफ से आ रही है सर। इसका जो इफेक्ट ना सारे शेयरों में पड़ेगा। अगर जियो जब सस्ता लाया था तो बाकी ऑपरेटर तो फेल हो गए थे, अब BSNL इस तरह से काम करेगा तो बाकी भी अगर फेल हो जाएंगे और इसका नेटवर्क अच्छा होगा तो ये कहीं ना कहीं BSNL के लिए पॉजिटिव और 3 ऑपरेटर के लिए निगेटिव एक न्यूज़ है, जिसके द्वारा ही 4G की दिशा BSNL बदल देगा।
तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाला जो जमाना 5G की तकनीक पर आधारित होगा और जो 5G पहले लेकर आएगा उसके शेयरों में तेजी और उसका नेटवर्क में विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। वोडाफोन आइडिया के CEO और MD मिस्टर रविंदर ठक्कर जी ने कहा है कि भारत सही समय पर 5G को ला रहा है। तो बातों को पकड़िए कि भारत सही समय पर 5G को ला रहा है। जब किसी कंपनी का MD और CEO जो बोल रहा हो कि भारत सही समय पर 5G को ला रहा है, इसका मतलब इनकी तैयारी है। सर मेरी बात सुनो कि हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं और हमारा पेपर है, यानी कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा पेपर है और मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, तो मैं यही तो कहूँगा सही टाइम पे पेपर हो रहे हैं मेरे। मैं सर यही तो बोलूँगा कि सही टाइम पे पेपर है मेरे, या मुझे कहीं घूमने जाना है, मेरे पास पैसा है, तेल है, सब कुछ है, तो मैं यही तो कहूँगा सही समय आ गया घूमने का। तो यही बात को पकड़ो, तो उन्होंने कहा है कि सही समय है, 5G को भारत ला रहा है, यानी कि उसकी उनकी तैयारी पूरी है। इस न्यूज़ से मुझे लग रहा है कि उनके 5G की तैयारी पूरी है, और उन्होंने कहा है कि ये छोटे और बड़े उद्योग को ही बदल देगा और ये पूरे विस्तार करके एक एक चीज़ जो उद्योग से जुड़े होते हैं, उद्यम से जुड़े होते हैं, छोटे हों कारोबार हो या बड़े कारोबार हो या किसी भी तरीके के साथ डिजिटल में कुछ क्षेत्र में काम हो, तो ये बहुत ही तरीके से आपको अच्छी न्यूज़ मिस्टर रविंदर ठक्कर जी ने दी है। देखो अगर आपको न्यूज़ पढ़ना आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। जो उन्होंने ये कह दिया है ना कि सही समय पर ला रहे हैं, सर सही समय पर ला रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, वही कहेगा जिसकी तैयारी हो, समझ रहे हो, जिसकी तैयारी हो, जिसने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी हो, वही कहेगा गेम खेल लो मैं जीतूंगा, समझो इशारों को सर। देखो सर शेयर का एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ साइकोलॉजी वाली बात। जब कुमार मंगलम जी ने अपना इस्तीफा दे दिया था, जब शेयर 5 रुपये करीब आ गया था, तो जब कंपनी को बंद होना होता तो 2-3 रुपये में आ जाती कंपनी। सर मेरी बात सुनो सर, अगर कंपनी को बंद होना होता, जब वो डायरेक्ट 9 रुपये से सीधा 5 रुपये में आ गया और नीचे जाने की उम्मीद लग रही थी, तब वो शेयर सर 1-2 दिन के अंदर 12 रुपये में कैसे पहुंच गया, आप ये खुद सोचो सर। 5 रुपये से शेयर एकदम आपको तेजी के साथ ऊपर मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके हाथों से शेयर कोई ना कोई लेना चाह रहा है, या तो कंपनी बंद हो रही है जी, खत्म होगी, बस बस 5 तक आ गया, अब 2 या 1 में आएगा, लेकिन उसके बाद जो उछाल आया है वो आपको दर्शा रहा है। उसके बाद शेयर ऊपर गया, फिर धीरे धीरे नीचे आ रहा है। जब सरकार ने 10 रुपये का इसके अंदर स्टेक लिया और प्रमोटर ने 13.30 रुपये का लिया, और 10 रुपये के बाद शेयर जब नीचे बार बार आता है, उसके बाद फिर ये 10 रुपये के ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये 10 को नीचे तो ला रहा है, लेकिन उसके बाद ये ऊपर की तरफ भी जाने की कोशिश कर रहा है। सर काफ़ी दिनों से मैं बता दूं, ये सर बड़ी तेजी के जो संकेत दिखा रहा है ना, 12 ऊपर जाने के, और युद्ध की स्थिति में भी मार्केट गिर रही है, उसकी स्थिति में भी ज़्यादा नहीं गिर रहा है, और 5 या 10 पैसे 20-30 पैसे ये उछाल कर रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि या तो तेजी तो इसके अंदर सर आने वाली है। और रविंदर जी का ठक्कर जी का जो इंटरव्यू है वो दर्शा रहा है कि बहुत ही बढ़िया इसके अंदर आगे होने वाला है, क्योंकि बैंक गारंटी भी इनको मिल गई है सर। स्पेक्ट्रम जो नीलामी होगी उसमें सरकार कह रही है कि हम कम आधार मूल्य रखेंगे, ये भी पॉजिटिव न्यूज होगी सर। 5G आएगा, इनकी तैयारी पहले है, ये भी बहुत अच्छी न्यूज होगी सर। तो कमी कहाँ आ रही है सर? कमी वहाँ आ रही है जो हम बड़ी बड़ी बातों में उलझ गए हैं। हमें अपने को अच्छा तभी करना पड़ेगा जब हम एक रास्ते पे, एक डायरेक्शन पे अपने को सही करके चलते रहें। तो सर सौर ऊर्जा में भी थाईलैंड ने अच्छा काम कर दिया है, वो दुनिया को दिखा रहा है, और आगे जाकर आपको BSNL में 4G आते हुए दिखाई देगा, और रविंदर ठक्कर जी ने अच्छी तैयारी के साथ जो वर्ड बोले हैं हमने उसे पकड़ लिया है, और उसमें देखते हैं कि आगे साइकोलॉजी अब हमारी क्या काम करती है। फिर भी जब ये 15, 16, 17 की तरफ जाए, एक वीडियो फिर बनेगी, उसको आपको ज़रूर देखना है, और उसे देखकर ही अपनी मनोकामना को अलग तरीके से आपको पूरा करना ही होगा। और शेयर आपके हैं, बाय और सेल किसी को भी इस चैनल पे नहीं बताया जाता। न्यूज़ के दौरान साइकोलॉजी बनाई जाती है, और इस तरह की साइकोलॉजी बनाई जाती है कि मार्केट से कुछ सीखें सर, क्योंकि सिखाने के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। किसी के शेयरों को खरीदना, बेचना, राय देना, इससे मैं काफ़ी दूर हूं सर, क्योंकि मैं खुद ही बिल्कुल चूज़ करके सर शेयरों को लेता हूं। मुझे पता है सर ये बढ़ जाएगा, मैं तब भी उसके अंदर सर हाथ नहीं डालता,
क्योंकि मार्केट कभी भी पलटी ले सकती। मैं सेफ होकर करता हूँ हर काम को, आप भी सर सेफ होकर काम को करें, क्योंकि पैसा एक बार गया तो अगर लॉस हुआ तो कम हो जाता है। सर तो चीटी को आटा जी कहकर रोटी जी, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत पर बैठेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।